नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया टिप्स देने जा रहा हूँ, जो हो सकता है जानकारी हो, कुछ आदमी को जानकारी नहीं हो। और जो हमारे नए दोस्त जो आते हैं काम करने के लिए रोलिंग मिल्स में, तो शायद उनको जानकारी नहीं रहती हो, क्योंकि इसके बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रोलिंग मिल में एक बेसिक जानकारी है और इसको सभी आदमी को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे को किसी चीज के विषय में अगर जानकारी नहीं है तो हम उतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम जो भी माइक्रोमीटर है, वर्नियर है, जो हम लोग नापते हैं, तो वो कहाँ से शुरू होता है और उसका अंक तालिका किस टाइप से रहती है, और जब हम उसको नापते हैं तो उसमें कितने पॉइंट्स आते हैं, कितने पॉइंट्स मिला के 1 mm बनता है, कितना mm मिला के 1 inch बनता है, और उसके बाद से 2 inch हो गया, 3 inch हो गया, 4 inch हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inch के बाद में फुट बन जाता है, या उसके आगे भी इंच रहता है, 40 inch तक भी रहता है, 100 inch तक भी आप ले सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिक क्या है, पहले हमको 1 mm में कितने पॉइंट्स होते हैं और 1 पॉइंट्स में कितने माइक्रोन्स होते हैं, इसको हमको जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये अगर हम जानकारी अगर नहीं रखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बेसिक जानकारी है, चाहे आप माइक्रोमीटर से नापें, वर्नियर से नापें, चाहे किसी भी स्केल से नापें, तो ये जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस जानकारी के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कुछ अगर नाप भी रहे हैं, तो जब तक हमारे को इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी तब तो हम बता भी नहीं पाएंगे। हम ये बता सकते हैं कि हाँ 10 है या 20 है या 25 है, लेकिन उसकी पीछे का जानकारी हमारे को नहीं रहेगी दोस्तों। तो आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं पॉइंट्स के बारे में। ये हमारा पॉइंट्स हो गया, 10 पॉइंट्स मतलब हो गया ये हमारा, अगर इसको माइक्रोन्स में देखें, 10 माइक्रोन्स, 10 माइक्रोन्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट्स, और 10 पॉइंट्स लेंगे तो 1 mm। ये 10 पॉइंट्स हो गया, 10 पॉइंट्स मिला के हमारे को 1 mm हो गया। अब ये 1 mm 25.4 mm को हम बोलते हैं 1 inch, 25.4 mm को हम बोलते हैं 1 inch। अब यहां हो गया हमारा ये 1 inch, 1 inch का मतलब हो गया हमारा 25.4 mm। ऐसे ही 2 inch हो गया 50.8 mm, ऐसे ही 3 inch हो गया 76.2 mm, ऐसे ही 4 inch हो गया 101.6 mm। तो ये जो हमारा अंक आ रहा है, एक्चुअली कहां से आ रहा है, ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये जो अंक आ रहा है कहां से आ रहा है, इसको हमको समझने की जरूरत है। तो ये जो हमारा आ रहा है, जैसे हम 2 इंच अगर बोल रहे हैं 50.8 mm, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंच इंटू 25.4, ये हमारा आ जाएगा 50.8 mm। वैसे ही 3 इंच है, तीन इंच को 25.4 से हम इंटू करेंगे, 76.02 आएगा।
ऐसे ही 4 इंच का हो गया। तो इसके जरिए जो 25.4 आ रहा है उससे हम 5 इंच हो गया, 6 इंच हो गया, 7 इंच हो गया, 8 इंच हो गया, 9 इंच हो गया, 10 इंच हो गया, मतलब इसको 100 तक आप इंटू कर लीजिए तो हमारे को पता चल जाएगा कि कितना एमएम है। क्योंकि इसके ये 25.4 के बगैर हम इसको बगैर इंटू किया हमारे को पता नहीं चलेगा। ऐसे हमारे को याद है तो हमको पता चलता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको इसको 4 इंच में 4 × 25.4 से इंटू करेंगे तो उसका यहां पर आपको आंसर मिलेगा। इसके अलावा जो कन्वर्सन टेबल्स जो होते हैं उसमें 12 इंच तक 1 फुट हो जाता है, 12 से 24 होता है तो 2 फुट हो जाता है, 36 होता है तो 3 फीट हो जाता है, 40 इंच होता है तो 1 मीटर हो जाता है, और ये जो हमारा 1 फुट 2 फुट ये जो बनता है वो हमारा 12 इंच के हिसाब से ही बनता है। 12 इंच 1 फुट हो गया, 24 इंच 2 फुट हो गया। ये एक बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए जानकारी है, और इसी के हिसाब से जो भी हमारा आगे जो थ्रेड्स हम डालते हैं, टेप डालते हैं, उसमें कितने साइज का हमारे को ड्रिल लगेगा पहले, उसके बाद कितने साइज का उसमें थ्रेड आएगा, ये बेसिक हमारे को जब तक ये चीज हमारे को जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे को बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे को अगर 1 एमएम में अगर थ्रेड डालना है तो उसके लिए हमारे को नट में अगर थ्रेड डालना है तो उसके लिए कितने का हमारे को वो चाहिए, कितने का हमारे को पहले ड्रिल लगेगा, तो इसके बारे में जानकारी हमको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या है मैं आपको आगे वाली वीडियो में इसको बताऊंगा, और ये सब आप लोग जानकारी देखिए, क्योंकि ये जो जानकारी है ना बहुत बढ़िया जानकारी है, क्योंकि आपके फ्यूचर को सुधारने में और संवारने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये, क्योंकि इसके बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो भी हमारा मैथ का कैलकुलेशन जो भी होगा या जो भी रोलिंग मिल्स में हम साइज जो भी बोलेंगे तो इसके लिए जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माइक्रोमीटर्स जो होता है, माइक्रोमीटर हमारा माइक्रोन से स्टार्ट होता है, वर्नियर भी माइक्रोन्स होते हैं लेकिन वो हम उतना पकड़ नहीं पाते हैं, हर आदमी उस चीज को पकड़ नहीं पाता है। वो अगर डिजिटल वर्नियर है तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल वर्नियर है तो वो आपको जल्दी पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको ये बेसिक जो जानकारी है ये जानकारी आपको होना चाहिए। ये हमारा टेंस जो है ये माइक्रोन्स है, माइक्रोन मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, ये हमारा माइक्रोन हो गया। ये माइक्रोन्स हो गया ऊपर वाला, और ये 10 पॉइंट्स हो गया, 10 पॉइंट्स मिला के 1 mm हो गया, और 25.4 mm मिला के 1 इंच हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, और आप लोग मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको रोलिंग मिल से संबंधित बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको मैं लेके आऊंगा आगे। नमस्कार दोस्तों।